नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए समय नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके सामने ला सकें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेंजॉल जूनियर के बारे में। ठीक है, जूनियर लेंजॉल के बारे में जानने वाले हैं। ये कौन सी कंपनी की दवा है, किसके लिए फ़ायदा होता है, और जो है कि इसका कैसे प्रयोग करते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है दोस्त, चलिए लेंजॉल जूनियर देख लीजिए। ये सिप्ला कंपनी की दवा है। ठीक है दोस्त, और ये दो कॉन्टेंट मिलकर बना है, और ये जो है कि ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है। एक पत्ता कितने का आता है, 122 रुपये का एक पत्ता है। ठीक है दोस्त, चलिए ये आपको बताते हैं इसमें कॉन्टेंट क्या क्या मिला है। ठीक है दोस्त, चलिए कॉन्टेंट है लेंसाप्राजोल ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टेबलेट। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको बताएंगे ये किसके लिए फ़ायदा करता है, और ये जो है कि कैसे प्रयोग करते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है दोस्त, अगर आपके पेट में अल्सर है तो उसके लिए यह फ़ायदा करता है। अल्सर के लिए हम थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, यह एक तरह से हमारे पेट के भीतर परत में संक्रमित घाव होती है। पेट में आंत के बाहरी हिस्से में भी ये अल्सर हो सकता है। ठीक है दोस्त, और जो है कि ये डुआडिनाल अल्सर भी कहा जाता है, इसे डुआडिनाल अल्सर भी कहा जाता है। पेट के अल्सर और डुआडिनाल अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव होता है जो पेट की भीतरी हिस्से की परत को भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होता है। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है, और ये दर्द ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। ठीक है दोस्त, अगर इस अल्सर को इलाज के साथ साथ नहीं किया जाए तो ये गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है दोस्त, यह एसिडिटी के लिए भी फ़ायदा करता है। एसिडिटी क्या है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। पेट में जलन महसूस होना एसिडिटी के सामान्य लक्षण हैं, जो मुख्य रूप से छाती या सीने में जलन पैदा करते हैं। आमतौर पर यह जलन छाती के निचले हिस्से के आसपास महसूस होती है। पेट के अम्लीय पदार्थों का खाने की नली में आ जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोराइड नामक अम्ल होता है। यह अम्ल भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है और बैक्टीरिया जैसे रोगजनकों को दूर करता है, उससे बचाता है। ठीक है दोस्त, यह गर्ड बीमारी के लिए फ़ायदा करता है। गर्ड क्या है, इसको मैं बताना चाहूँगा। बार बार होने वाली एसिडिटी की समस्या को गर्ड कहते हैं। ठीक है, बार बार एसिडिटी होता है तो गर्ड का रूप धारण कर लेता है, यह उसको भी फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, अब रही जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। कि ये क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपके अग्नाशय या छोटी आंत की ऊपरी तरफ एक से अधिक ट्यूमर बन जाते हैं। ये ट्यूमर अधिक मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है। इस एसिड को पेट में छाले और दस्त जैसे लक्षण होने लगता है। यह किसी भी उम्र के व्यक्तियों को हो सकता है, ज़्यादातर यह 20 से 50 उम्र के व्यक्तियों को होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको हम बताते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसका प्रयोग खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसको दिन में एक बार लिया जा सकता है, या 30 mg का कैप्सूल इसको ले सकते हैं। टैबलेट फार्म में नहीं, कैप्सूल फार्म में इसको लेना है। और यह जो है कि कोई भी दवा लीजिएगा तो एक बार बिना डॉक्टर का सलाह लिए बिना उस दवा का यूज मत करिए। ठीक है दोस्त, कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी उस दवा का यूज करिए। ठीक है दोस्त, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। कब्ज, तेज़ धड़कन, जीवा में सूजन, उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना, डकार आना, झुनझुनी लगना, गुदगुदी लगना, चुभन होना, सुन्न होना,
ये सब अगर आपके लक्षण दिख रहे हैं तो अगर आपके साइड इफेक्ट हैं, अगर यह सब दिख रहा है तो आप दवा को बंद कर दीजिए। लेकिन दवा को तभी बंद करिएगा जब आपको डॉक्टर कहे, तभी उस दवा को बंद करिए। अगर डॉक्टर आपको नहीं बोल रहा है तो उस दवा को मत बंद करिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्त, और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, ये सब जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से दे रहा हूँ। और कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी दवा के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उस दवा के बारे में आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा, लेकिन आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।